आज हम पढ़ेंगे मोमेंट्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के कितने मोमेंट्स होते हैं और किस टाइप के होते हैं, और इस मोमेंट से अर्थ पर क्या इफेक्ट आता है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निक्की स्टॉल्ड अलॉन्ग द बीच थिंकिंग अबाउट व्हाट देयर सोशल स्टडी टीचर हैड टॉट देम इन क्लास दैट डे। निक्की एक नाम की लड़की है, वो आज सोच रही है कि कल मेरे SST टीचर ने क्लास में क्या पढ़ाया है। सी हैड सेड दैट अर्थ इज कॉन्स्टेंटली स्पिन लाइक अ टॉप। उसको ये पढ़ाया गया था कि लगातार धरती जो है टॉप यानी लट्टू की तरह से अपने जगह पर घूम रही है। एंड दैट इज इट इज आल्सो अ ग्रेट स्पीड अराउंड द सन। हाउ इज इट दिस पॉसिबल वंडर निक्की। उसको बताया गया था कि लट्टू की तरह से अर्थ जो है घूम रही है और वो बहुत तेजी से घूम रही है, ये कैसे पॉसिबल है, उसके बारे में सोचकर वो बहुत ही सरप्राइज थी, परेशान थी। सी टर्न टू हर दादा ग्रैंडफादर एंड स्पोक। यहाँ थाथा लिखा हुआ है, इस पर ध्यान दीजिएगा, थाथा नहीं बल्कि दादा ग्रैंडफादर। ओके, तो अब उसने के अंदर जिज्ञासा हो रही थी कि ये कैसे पॉसिबल है, तो अपने दादा से पूछी, दादा इज द अर्थ रैली मूविंग ऑल द टाइम, इफ इट इज देन हाउ कम आई कैन नॉट फील। क्या धरती वास्तव में घूम रही है, लेकिन अगर ऐसा है तो हमें ये महसूस क्यों नहीं होता। वी कैन नॉट फील द अर्थ स्पिन बिकॉज अर्थ मूविंग एट स्टडी रेट वी आर मूविंग विथ इट। दादा ने उसका आंसर दिया, यस घूम रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा भी मूवमेंट उस पर होता है, इस कारण से हमें उसका पता नहीं चलता। हाउएवर वी विल फील द अर्थ मूवमेंट इफ स्पीड सडनली इंक्रीज और डिक्रीज। हमें तभी उसकी स्पीड को पता चलेगा कि जब उसके स्पीड को कम किया जाए या ज़्यादा किया जाए, तभी हम उसकी स्पीड को महसूस कर सकते हैं। बट हाउ डू वी नो दैट अर्थ इज एक्चुअली मूविंग। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि अर्थ वास्तव में मूव कर रही है। लुक एट द सन, ईच डे अपीयर्स टू मूव अक्रॉस द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दिस इज बिकॉज अर्थ इज स्पिनिंग ऑल द टाइम। तो उन्होंने इसका प्रूफ दिया कि सन को देखो, सूरज को देखो, ये जो है हमेशा पूरब से पश्चिम की तरफ आता है, यानी पूरब से पश्चिम की तरफ आता रहता है। इसका मतलब है कि धरती जो है घूम रही है। ओके, द अर्थ अलॉन्ग विथ ऑल अदर हेवनली बॉडीज इज कॉन्स्टेंटली मूविंग। अर्थ भी जो है हर हेवनली बॉडीज की तरह से घूमते रहते हैं। द टू मेन मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ आर रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। अर्थ के दो मूवमेंट्स होते हैं, कौन कौन से, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है, जब अपने ही एक्सिस पर अर्थ जब घूमती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन। और जब अर्थ घूमते हुए सूरज के तरफ चारों तरफ चक्कर लगाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन। ओके, दिस मोमेंट हैव एन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन लाइफ ऑफ द अर्थ। इससे अर्थ पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंट बिटवीन दीज टू मोशन एंड हाउ दे अफेक्ट आवर लाइफ्स। इन दोनों मोमेंट से क्या अर्थ पर पड़ता है और हमारे लाइफ पर क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम जानेंगे। द रोटेशन ऑफ द अर्थ, द स्पिनिंग मोमेंट ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। अभी हमने जैसे बताया कि अपने एक्सिस पर जब अर्थ घूमती है इसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। क्या बोलते हैं, रोटेशन। ओके, द अर्थ एक्सिस इज इमेजिनरी लाइन दैट पासिस थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड इट्स टिल्टेड ऑन एंगल ऑफ 23.5। अर्थ जो है अपने एक्सिस पर जो इमेजिनरी लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। ओके, एक्सिस बोलते हैं जो इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के मिडिल से होकर के जाती है, और ये जो है अपने अर्थ एक्सिस पर 23.5 डिग्री पर टिल्ट यानी झुकी हुई है। द अर्थ टेक 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट एक्सिस, दिस इज कॉल्ड अर्थ डे।
यानी जब अर्थ अपने ही जगह पर एक राउंड पूरा लेती है, कितने समय में? 24 आवर्स में जब एक चक्कर लगाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक दिन बोलते हैं, ओके? क्या बोलते हैं? वन डे। इसको हम क्या बोलते हैं? अर्थ डे भी बोलते हैं। इफेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ डे एंड नाइट, जब अर्थ रोटेट करती है इससे क्या होता है? डे एंड नाइट यानी दिन और रात होते हैं। द रोटेशन ऑफ द अर्थ काज डे एंड नाइट, वाइल रोटेटिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ फेस सन, द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेस सन एक्सपीरियंस डे वाइल द अदर साइड विद फेस अवे फ्रॉम द सन इज डार्क एंड एक्सपीरियंस नाइट। इस पिक्चर के माध्यम से हम समझते हैं कि जहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ती है उस एरिया में डे होता है, और जहाँ पर आप देख रहे हैं कि शेडेड है वो जो है ये क्या है, यहाँ पर नाइट है, ओके? यानी जो समय, जिस समय सूरज की रोशनी पड़ती है सीधी, वहाँ पर दिन होता है, और जहाँ पर नहीं पड़ता है वहाँ पर अंधेरा रहता है, उसको हम नाइट्स बोलते हैं। फिर जब यही अर्थ मूवमेंट करके इधर आती है तो ये वाला पार्ट इधर घूम के जाता है, तो यहाँ पर ये फिर क्या होता है? डे होता है, और इधर फिर नाइट होता है। यानी जैसे जैसे अर्थ का जो फेस जिधर पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? डे एंड नाइट बोलते हैं, ओके? द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एज अ रिजल्ट द सन द मून एंड स्टार अपीयर राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। यानी सूरज अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूवमेंट करती है, तो इस कारण से जो सन है ईस्ट की तरफ दिखाई देता है और स्टार जो है वेस्ट की तरफ दिखाई देते हैं। द पीरियड बिटवीन नाइट एंड डे आर कॉल्ड डॉन। जो नाइट और डे के बीच में जो शाम का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं डॉन, यानी गोधूली बेला बोलते हैं। एंड द पीरियड ऑफ बिटवीन सॉरी हाँ डे एंड नाइट डस्क, ओके? और सॉरी इसको फिर से देखते हैं, जो समय दिन और रात के बीच यानी सुबह दिन होता है और पूरा दिन निकलने से पहले उसको हम बोलते हैं डॉन यानी सूर्योदय, और जब शाम होती है तो उसको हम बोलते हैं डस्क, ओके? द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, द मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। अर्थ का जो मूवमेंट होता है चारों तरफ, सूरज की चारों तरफ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन। यानी ऐसे अर्थ क्या एक चक्कर लगाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन बोलते हैं, ओके? द पाथ अलॉन्ग विच अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन फिक्स एंड कॉल्ड ऑर्बिट। यानी जिस ऑर्बिट पर घूम पाथ पर वो अर्थ का राउंड चक्कर लगाती है, अर्थ सन का चक्कर लगाती है, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। The Earth's orbit is elliptical or oval in shape. It take Earth 1 year or 365 and 6 hour. जो पूरा चक्कर वो कितने दिन में लगाती है? 365 days and 6 hour में एक चक्कर पूरा वो लगाती है। Effects of revolution seasons. इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं रिवोल्यूशन के? मोस्ट प्लेसेस अर्थ एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन इन ए ईयर, नेमली स्प्रिंग समर ऑटम एंड विंटर। यानी जब सूरज का एक चक्कर लगाती है अर्थ, तो उससे मौसम बदलते हैं, जो हमारे यहाँ स्प्रिंग समर ऑटम और विंटर सीजन होते हैं। एज द अर्थ ऑर्बिट द सन इट टिल्टेड एक्सिस ऑलवेज पॉइंटेड इन सेम डायरेक्शन। जो झुकाव होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ईयर डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ फेस सन लुक सन। यानी जो सूरज का जो हमेशा फेस होता है वो सन की तरफ होता है। जैसे कि अर्थ अगर ऐसे झुकी हुई है और यहाँ पर सन है, तो ये हमेशा जो है इसी तरह से इसका टिल्टेड होना होता है 23.5 पर, जिससे वो फेस हमेशा सूरज की तरफ ही रहता है और यही जो है उस पर दिन होता रहता है, ओके? द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट टिल्टेड टुवर्ड द सन गेट डायरेक्ट रेज द सन एंड है समर, वाइल द पार्ट दैट फेस अवे फ्रॉम द सन रिसीव लेस फ्रॉम सन एंड सो विंटर। यानी जिस
जगह पर सूरज की रोशनी जो है कम पड़ती है, ओके, जैसे इस एरिया में सूरज की रोशनी कम पड़ती है तो यहाँ पर विंटर होगा, और जहाँ पर डायरेक्ट सन का रोशनी पड़ता है वहाँ पर समर होगा, ओके। ट्वाइस ए ईयर इन मार्च सेप्टेम्बर नाइदर टू ऑफ पोल्स फेसिंग सन एंड ऑल पार्ट ऑफ द अर्थ गेट रफली इक्वल आवर्स डे लाइट डार्कनेस। नेक्स्ट वीडियो में हम सीजन के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।